नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां काफी संख्या में ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड युवाओं ने भूख हड़ताल पर यूपी लेखपाल भर्ती 2022 की पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले 37 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांगों ने बताया कि वह लोग यूपी लेखपाल भर्ती में ओएच श्रेणी के चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद संबंधित विभाग ने उन्हें ये कहकर नौकरी से वंचित कर दिया कि वह लोग लेखपाल का काम करने में सक्षम नहीं हैं। आइए पूरा मामला समझने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में कुल 8085 पद थे। इस भर्ती में दिव्यांगों के कुल 309 पद आरक्षित थे, जिसमें हाथ पैर से दिव्यांग यानी ओएच कैटेगरी के 122 पद दर्शाए गए थे। लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन में ओएच दिव्यांग यानी चलन प्रक्रिया संबंधित दिव्यांग श्रेणी को बाकायदा दर्शाया गया था। पेट परीक्षा 2021 के आधार पर लेखपाल मुख्य परीक्षा में ओएच श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया और अंत में लोगों का दस्तावेज सत्यापन भी कराया गया। दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी दिव्यांगों से अनुपस्थिति लगाने की धमकी देकर जबरदस्ती एक स्टेटमेंट लिखवाया गया कि मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से होगा, जिस पर अंतिम निर्णय आयोग करेगा। इसी क्रम में 30 दिसंबर 2023 को लेखपाल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें ओएच दिव्यांगों को बाहर कर दिया गया और दिव्यांगों के कुल 309 पदों में से 188 पदों को खाली छोड़ दिया गया। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा जब संबंधित विभाग राजस्व परिषद के लेखपाल भर्ती प्रभारी अधिकारियों से इसका कारण पूछा गया, तो अधिकारियों ने कहा कि आप लेखपाल पद के लिए योग्य नहीं हैं, आप लेखपाल का कार्य नहीं कर सकते। ओएच कैटेगरी के दिव्यांगों ने कहा कि हम सभी दिव्यांग शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इस भर्ती में हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार और राजस्व परिषद के अधिकारियों की मनमानी के कारण बाहर हुए ओएच दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थियों द्वारा न्याय की आस में 1 जनवरी से धरना स्थल इको गार्डन में धरना दिया जा रहा है, किंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इस दौरान पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थी मुख्यमंत्री दफ्तर में लगभग 100 बार ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। 2 बार गोरखपुर में जनता दरबार में योगी जी से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्याय नहीं मिलने से आहत सभी ओएच दिव्यांग 30 जुलाई से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान कुछ दिव्यांगों की हालत खराब चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार या शासन से कोई भी अधिकारी दिव्यांगों को देखने नहीं आया। क्या यही है योगी जी के रामराज्य का सपना, जहां दिव्यांगों पर अत्याचार होता हो? पीड़ितों ने कहा कि हम दिव्यांगों से हमारा रोजगार, अधिकार और आरक्षण छीन कर हमें फिर से दिव्यांग बनाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश विकलांग लेखपाल भर्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, और इनका जो आरक्षण मिलना चाहिए इस भर्ती में नहीं मिला है। 37 दिनों से ये लोग लगातार इको गार्डन में भूख हड़ताल कर रहे हैं, अधिकारियों के दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं, किंतु इनकी सुनी नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं, इनकी मांगें जल्दी पूरी की जाएँ। ये लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, इन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, जिसके बाद भी अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है। क्या मामला है इनसे हम जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका, थोड़ा साइड हो जाइए। सर मैं राम निहाल द्विवेदी गोंडा से जी। सर जब 2022 में ये आया था फॉर्म, तो हम लोग फॉर्म भरे, 8085 सीट आई थी, जिसमें से दिव्यांगों की 309 सीट थी। 309 में से हम लोगों को बुलाया गया मेंस के लिए, मेंस हमने दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया? अब हम लोग जब जाते हैं वहाँ राजस्व परिषद, तब अधिकारी यही बताते हैं कि आप लोग कार्य करने में सक्षम हैं। तो सर हमने उनसे ये डिमांड करी थी कि हमसे जो भी कार्य करवाना चाहे सरकार या आयोग, तो हम करने के लिए तैयार हैं। यही हमारी मांग है कि योगी सरकार से कि हमें नियुक्ति दिया जाए। कार्य करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, तो आप लोग का जब विज्ञापन निकला था तो ये कालम क्यों दिया गया? जी वही, ये आयोग की गलती है, उनकी गलती है, तो उसका खामियाजा विकलांगों को क्यों दिया जा रहा है? सर हमारा यही रिक्वेस्ट है कि विकलांग हमें विकलांग ही रहने दे सरकार। दिव्यांग नाम बदलने से, विकलांग करने से, दिव्यांग करने से हमें कोई फायदा नहीं है। सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से। हमारा दायित्व, हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। जैसे बहुत ऐसे विकलांग हैं जो वहाँ रेलवे स्टेशन पे कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, तो हमको ऐसा ना किया जाए हमारे साथ। हम लोग पढ़े लिखे हैं, सामान्य लोगों
लोगों के साथ में हमने पढ़ाई किया, हमने वहाँ फ्री दे करके मेस दे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, फिर हमारी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है, यही हमारी सरकार से डिमांड है। और परसेंट आरक्षण है आपके इसमें? सर लगभग 4% आरक्षण है लेकिन दिया नहीं जा रहा है। प्रभावित कितने अभ्यर्थी हो रहे हैं सर इसमें? हमको बुलाया गया था लगभग 4600 प्लस लोगों को डीबी के लिए, हमारी 309 सीट है उसमें से 121 लोगों को नियुक्ति दी गई है और हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया गया, हमारी 188 सीट अभी रिक्त है। 309 लोगों को जो नियुक्ति गई दी गई तो क्या वो कार्य करने में सक्षम मान लिए गए? वही सरकार पता नहीं कैसे कानून बनाती कि जो जिनको नियुक्ति दी गई वो कार्य करने में सक्षम है, जो हमारी सीटें रिक्त है उसको बेचना चाहती होगी, यही होगा उनका रवैया। हम लोग तो यही अब मान रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 37 दिन हो गए आप लोग भूखे प्यासे यहाँ पर घर परिवार छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं, अब अगला कदम क्या है आप लोगों का? अब अगला कदम यही है कि हम माननीय राज्यपाल जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मतलब करेंगे कि अब वो वहाँ जा करके उनके वहाँ विधानसभा में या मुख्यमंत्री के दरवाजे पे हम लोग आत्मदाह करेंगे सामूहिक। और क्या हमारे लिए चारा बचा है? एक दिन हम लोग आमरण अनशन के लिए वहाँ गए थे राजस्व परिषद में, वहाँ राजस्व परिषद के अधिकारियों का रवैया हम लोगों के साथ बहुत ही अशोभनीय था, जो कहने लायक नहीं, इतना घृणित उन्होंने रवैया अपनाया है विकलांगों के साथ में कि उसका कोई जवाब नहीं है। आत्मदाह क्या समस्या का हल है? अब सर क्या किया जाए, वैसे भी सरकार कह रही जाओ भीख मांगो, इसका मतलब तो यही हुआ कि हम लोग मतलब एग्जाम दिए, हम लोग को सामान्य लोगों के साथ में डीबी कराए, वेरिफिकेशन कराए, सब कुछ कराए, चार चार तल्ला पे जा करके। सर ये दोनों पैर में दिव्यांग हैं हम, और कौन सा काम हम ये नहीं कर सकते हैं? देखिए खड़े होने में, चलने में, सब कुछ में सक्षम है, अब क्या करें हम? बैठ जाइए, कहाँ जाएं? घर वाले कहते हैं कि यहाँ मत आओ, अपना रिजल्ट दे करके आओ, अब कहाँ से हम रिजल्ट दे करके जाएं? आप लोग साइकिल वगैरह सब चला ही लेते हो? साइकिल चला, हमसे आयोग में अनिल यादव सर हैं, उन्होंने कहा था कि पहले ये होता था, तो हम कहें सर आज भी करवा के देख लो, साइकिल मोटरसाइकिल ट्रैक्टर कोई भी काम करवा के हमसे देख लिया जाए, यदि हम नहीं चला पाते हैं और जो भी इनकी क्राइटेरिया है हम करने के लिए सक्षम है, बस हमको नियुक्ति चाहिए। इसी क्रम में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरेन जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके समर्थन में, इन अभ्यर्थियों के समर्थन में आए हुए हैं, इनकी लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का आज आश्वासन दे रहे हैं और चेतावनी भी सरकार को इन्होंने दी है कि आने वाले समय में इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जो त्रुटियाँ की हुई हैं उस त्रुटियों का समाधान नहीं निकाला गया तो बड़ी संख्या में प्रदेश के दिव्यांग विकलांग सभी लोग इनके हक की आवाज़ उठाएंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जो भी गलती की है, चाहे राजस्व परिषद के स्तर से हुई हो चाहे शासन के स्तर से हुई, जब चयनित हो गए हैं लेखपाल तो उनको नियुक्ति देनी चाहिए। चयनित होने के बाद आप कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। या तो आप विज्ञापन में जारी न करते, अगर आपने विज्ञापन में जारी किया, पेपर दिलाया, सब कुछ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया आपने और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं रखूंगा, फिर दिव्यांगजन आयोग जब कह रहा है तब आपने सीटें आरक्षित रोक दी कि इनको नहीं भरा जाएगा, आप क्या चाहते हैं? सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ये दिव्यांगों के साथ तो नहीं हो पा रहा सबका साथ सबका विकास। हम तो आज जब हमें जानकारी मिली है तो हमने राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने तय किया है कि हम इनके बीच में चलकर इनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों को बुला करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्व परिषद के अध्यक्ष और भाजपा कार्यालय प्रदेश कार्यालय पे हम लोग सबको घेरेंगे और ये कहेंगे कि सरकार में क्या हो रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राजस्व विभाग अपने पास रखे हुए हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती है। जनता दरबार में मुलाकात करिए तो IGRS में डाल देते हैं, वो IGRS बोगस हो जाता है, किसी कोई काम नहीं होता, अधिकारी सुनते ही नहीं है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सरकार की छवि धूमिल करने की स्थिति पैदा करती है और इसीलिए भाजपा की दुर्दशा हो रही है। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि राजस्व विभाग आपके पास है, दिव्यांगों के साथ न्याय करिए, अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो सरकार को ख़त्म करने से कोई रोक नहीं सकता। ये सभी OH कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और ये लोग काफ़ी आज दुखी दिख रहे हैं। आज दुखी मन से एक अभ्यर्थी ने कहा कि ये लोग आत्मदाह करेंगे, क्या यह उचित है? आपका क्या इसमें फैसला है? चूँकि आप देख सकते हैं कि पीड़ा इनकी, क्यों भाई क्यों रो रहे हो? अब अध्यक्ष जी हैं, आपके सामने आए हैं,
सर हम लोग यहाँ 37 जी से बैठे हैं और 7 महीने से अलग से बैठे हैं, अब हम कहाँ चले जाएं? क्या हमारा दोष है कि हमने पढ़ाई करी है? हम अपनी डिग्री जला दे क्या? हिम्मत रखिए, हिम्मत, अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है। एक हमारा शादी ये खत्म हो चुका, हम लोग भी मर जाए, एक टाइम भोजन नहीं कर रहे हैं। घर वाले कहते रिजल्ट लेकर क्या, हम कहाँ से किसके ऊपर चला जाए? 100 बार हम जनता दरबार जा चुके, 50 बार वहाँ योगी जी के गोरखपुर में गए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। कहाँ चले जाए, किसके पास चले जाए? हमारी सरकार तो ही तो माँ बाप है, हम कहाँ जाए? निश्चित रूप से पीड़ा आप लोग की, आप लोग का स्थिति बड़ी कठिन है अध्यक्ष जी, हाल यह है आप देख रहे हैं। देखिए मैं देख रहा हूँ, बहुत दुखद स्थिति है। एक साथी हमारे बीच में नहीं रहा है और उसका परिवार किस पोजीशन में होगा वो तो वही जानता है। ये सरकार की नाकामी है और सरकार ने गलत किया है, तो इसको सुधारे, अभी जब समय है सुधारने का, वैकेंसी खाली है, भर्ती कर ले इनको। और दूसरी बात ये है कि आत्मदाह विकल्प नहीं है, हम तो अपील करेंगे अपने साथियों से, दिव्यांग साथियों से, कि हौसला बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं, पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ है, ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे स्टेट के लोग भी आपके साथ आएंगे, बशर्ते आप जिस 37 दिन से लड़ रहे हैं, हो सकता है कि दोबारा 37 दिन और लड़ना पड़े, लेकिन लड़िए, हिम्मत मत हारिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी आपके साथ है और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, सरकार से न्याय की अपील की जाएगी, लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं इस स्थिति को देखते हुए? सरकार से सिर्फ एक ही अपील है कि जो बच्चे पढ़ लिख करके क्वालिफाई किए हैं, मेरिट में आ गए हैं, उनकी नियुक्ति लेखपाल पद पर दे दें। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग लेखपाल भर्ती में OH कैटेगरी के ये लोग अभ्यर्थी हैं और चयनित होने के बाद भी इनका डाक्यू वेरिफिकेशन भी हो चुका है, बस केवल नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। नियुक्ति पत्र की जब मांग इन लोगों ने किया तो इन लोगों को साफ साफ बता दिया गया कि आप लोग काम करने के योग्य नहीं हो, आप लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसके बाद से ये लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई यहाँ इको गार्डन में लड़ रहे हैं। आज इनके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोग का हौसला बढ़ाएं, इनके धरना प्रदर्शन का समर्थन किए हैं। आने वाले समय में इनका धरना प्रदर्शन क्या रूप लेगा, किस दिशा में जाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।